नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धारा अग्रवाल है और मैं आपके सामने लाई हूँ क्लास सिक्स ओल्ड एनसीईआरटी की चैप्टर टू। किसी ने मुझसे कमेंट सेक्शन में कहा था कि मैं वीडियोस जो पोस्ट कर रही हूँ वो दो लैंग्वेजेस में पोस्ट करूँ, दो भाषाओं में प्रस्तुत करूँ, इसीलिए ये जो वीडियो है वो हिंदी में होगा। ओके, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ बातें थी जो मैंने आपको पहले फर्स्ट वीडियो में नहीं बताई थी, वो मैं अभी आपको बताई देती हूँ। मैन्यूस्क्रिप्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले के ज़माने में लोग लिखा करते थे पेपर्स पर, कागज़ पर या फिर पेड़ों की पत्तियों पर। तो जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट है उसे हम पाली, संस्कृत, तमिल और प्राकृत लैंग्वेज में लिखा करते थे। इन सबको क्लासिक लैंग्वेज यानी पुरातन भाषाओं की तरह माना जाता है, जिसमें से हम संस्कृत और तमिल आज भी यूज़ करते हैं, पर पाली और प्राकृत ऐसी भाषाएं हैं जो हम आज के ज़माने में यूज़ नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं उसका। और आगे जो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि जो स्टोन टूल्स थे पहले, वो मैंने उसे तीन भागों में विभाजित किया था। ओल्ड स्टोन टूल्स, मिडिल स्टोन टूल्स एंड मॉडर्न एज स्टोन टूल्स। अगर हम उसको और आसान भाषा में या फिर और ज़्यादा आसान बनाने के लिए अगर हम उसे और विभाजित करें तो ऐसे निकलेगा कि स्टोन एज, जहाँ पर इंसान पत्थरों का यूज़ करते थे हर एक चीज़ के लिए, उसे हम तीन ऐसे एजेस में विभाजित कर सकते हैं, जैसे पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। पैलियो, जिसका मीनिंग होता है ओल्ड, लिथिक मतलब पत्थर, दैट इज ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। वैसे ही मेसोलिथिक का मतलब, मेजो का मतलब छोटा होता है। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि जो मिडल एज स्टोन टूल्स थे, जो बीच वाले मिडल एज स्टोन टूल्स थे, वो बहुत छोटे थे साइज में, दैट इज सिर्फ 2 या 3 इंचेस ही बड़े हुआ करते थे। तो मेजो का लिटरल मीनिंग होता है छोटा, सो मेसोलिथिक। और नियोलिथिक मतलब मेसोलिथिक के बाद का पीरियड, जिसमें नियोलिथिक मैन नो फूड ग्रोइंग, मतलब जो नियोलिथिक का आदमी था उसको खाना उगाने के बारे में ज्ञान था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि द मैन, आदमी जो पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज में पाए जाते थे, उन्हें सिर्फ खाना जमा करने के बारे में ज्ञान था, उन्हें खाना उगाने के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। पर जैसे जैसे इंसान अपने एक सेटल्ड लाइफ की तरफ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि चैप्टर का नाम ही है बिगनिंग ऑफ अ सेटल्ड लाइफ, यानी उन्होंने एक बसा हुआ जीवन जीने की तरफ अपना रुख मोड़ लिया था। जैसे वो छोटे छोटे ग्रुप्स में रह रहे थे, अभी उन्होंने एक गांव का जीवन जीना आरंभ कर दिया था, ठीक है। तो नियोलिथिक मैन जो है उसको खाना उगाने के बारे में जानकारी आ गई थी, जैसे उन्हें पता चल चुका था कि अगर आप जमीन को थोड़ा खोद कर उसमें बीज डालते हैं और उसको थोड़ा पानी देते हैं तो उसमें से खाना उग सकता है, ये बात उन्हें पता चल चुकी थी। सो द एग्रीकल्चर वॉज नोन, यानी खेती बाड़ी के बारे में उस समय के आदमी को ज्ञान आ गया था नियोलिथिक एज में। वीट, गेहूं, बारले और चावल, ये कुछ पहले, सबसे पहले यही सारे जो खाद्य पदार्थ है वो उगाए गए थे, ठीक है। टेमिंग ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों को अपने काबू में करना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जानवर और यानी जंगली जानवर और मौसम, ये दो सबसे बड़े डर थे उस समय के आदमी के, यानी पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज के आदमी के, ये सबसे बड़े दो डर थे। पर इसमें से सबसे पहले वाले को, यानी जंगली जानवरों को, उसने अपने उस टाइम के आदमी ने अपने काबू में करना सीख लिया था। उसे पता चल गया था कि वो
जंगली जानवरों को काबू में करके अपने खुद के फायदे के लिए, अपने स्वयं के फायदे के लिए उसका यूज कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम एक जंगली बकरी का वो ले ले, बकरी का, तो पहले के जमाने के लोग उसे मार काट के खा जाया करते थे, रॉ कच्चा। पर अभी उन्हें ये ज्ञान हो गया कि वो उसे काबू में करके उसका दूध, बकरी का दूध जैसे हम कहते हैं, उसे पीने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो भेड़, बकरी और कुत्ता, ये कुछ ऐसे जानवर थे जो पुरातन काल के आदमी ने सबसे पहले अपने काबू में लेके आए। उसके आगे अगर हम चले तो उन्होंने धातुओं की भी खोज कर ली थी, डिस्कवरी ऑफ मेटल में यानी धातुओं की खोज, जिसमें से उन्होंने कॉपर की खोज उन्होंने कर ली थी। कॉपर इस धातु की खोज उन्होंने कर ली थी, जिसमें टिन और जिंक, ये दो और धातु मिलाकर उन्होंने एक सहाय धातु की रचना की, संरचना की, जिससे उन्होंने फिर बाद में अस्त्र और शस्त्र बनाने शुरू किए। जैसे कि हम जानते हैं कि पत्थरों के जो शस्त्र बनते थे पहले, वो इतने ज़्यादा टाइम तक टिकते नहीं थे, जितना ज़्यादा हम उसको यूज़ करते थे उतनी जल्दी वो ख़राब हो जाते थे। पर जब वो कॉपर पे आए, जब उन्होंने कॉपर का जो है शस्त्र अस्त्र बनाना शुरू किया, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम तक टिक रहे थे। ठीक है, इसीलिए ये मेटल्स की खोज हमारे लिए फ़ायदेमंद रही। तीसरी और सबसे बड़ी फायदेमंद खोज जो पुरातन काल के इंसान ने की, वो थी व्हील्स यानी पहिए की खोज। जैसे कि हम जानते हैं कि पहिए छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों में उपयोग में आते हैं। जैसे छोटी से छोटी चीज़ यानी एक बैलगाड़ी में भी वो हमको बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं, बच्चों के खिलौने में भी वो हमको बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं, और बड़ी से बड़ी चीज़ यानी एरोप्लेन या फिर हवाई जहाज़ या फिर ट्रेनों में भी वो हमारी सहायता में आते हैं। और जैसे कि वो हमें पॉटरी यानी मटके बनाने में भी वो हमें बहुत यूज़ आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके पहले के जो ज़माने थे उसमें आपको कहीं भी मटकों का या पॉटरी का, मटके बनाने का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। पर यहाँ से यानी नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक एज से पॉटरी का भी एक आरंभ अच्छे से हुआ है, और पहियों के आने के बाद उसमें और सहूलियत आई है, वो और आसान बना है। चाल्कोलिथिक एज मतलब जहाँ से धातुओं की खोज शुरू हुई, क्योंकि कॉपर सबसे पहला जो है पदार्थ, जो है धातु उत्पन्न, मतलब उसका जो है डिस्कवरी पहले हुई थी, इसीलिए चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है इस एज को जो नियोलिथिक एज के बाद शुरू हुई। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो गांव की जो जिंदगी है वो एक नोमैडिक आदमी ने जीनी शुरू की थी। ठीक है, इसीलिए जो वो झोपड़े बनाया करते थे, अपने जो घर बनाया करते थे, वो एक दूसरे के बहुत पास पास बनाया करते थे, और किसी फर्टाइल जगह पे और नदियों के बाजू में बनाया करते थे। फर्टाइल यानी जो जहाँ पर वो खेती बाड़ी कर सके, जो उपजाऊ जमीन जिसे हम कहते हैं, वैसे उपजाऊ जमीन पे और नदियों के पास, क्योंकि नदियों में से उनको पानी मिलेगा जो उनको खेती के लिए और बाकी सारे जो रोजमर्रा के काम होते हैं उसके लिए काम आएगा, और खेती बाड़ी के लिए भी। इसीलिए वो हमेशा एक उपजाऊ जमीन पर, जहाँ पर वो ना खाना उगा सके और जहाँ पे उनको पानी की बहुत आसानी से उन्हें पानी प्राप्त हो जाए, ऐसी जगह पे रहा करते थे। और जो घर वो बनाया करते थे वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब करीब में होते थे, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि वो इतना भी ज़्यादा, उनकी जो ग्रोथ होती है वो इतनी भी ज़्यादा नहीं थी। अगर उनको किसी को भी किसी भी प्रकार की मुसीबत आती है तो वो तुरंत जाके अपने आसपास वालों को बुला सकते हैं मुसीबत के समय। इसीलिए जो उनके घर होते थे वो आसपास बहुत करीब करीब में होते थे।
अभी हम बात करते हैं ड्रेस यानी वेशभूषा और ऑर्नामेंट्स यानी आभूषणों की। जैसे कि हमने देखा कि जो चालकोलिथिक मैन था उसने खाना उगाने के बारे में सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, इसलिए उसे खाने की और जो है कि जंगली जानवरों की कोई भी परेशानी नहीं होती थी। इसीलिए उसने अभी अपने लिए, अपने खुद के लिए समय निकालना आरंभ किया। उसने खुद के लिए जो है कि क्लोथ्स, कपड़े बनाने शुरू किए, क्योंकि उसे पता चल चुका था तब तक कि कॉटन, कपास के प्लांट से वो अपने लिए कपास के कपड़े बना सकता है, इसीलिए कॉटन क्लोथ्स फॉर यूज्ड। एंड जो लीशियर टाइम यानी जो बाकी का जो समय बचता था, जो खाली समय होता था, उसमें वो लोग हॉर्स राइडिंग किया करते थे यानी घुड़सवारी किया करते थे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सोसाइटी की। हाँ, रही बात आभूषणों की, तो शेल्स, जैसे कि हम देखते हैं छोटे छोटे शेल्स मिलते हैं और हड्डियों से वो अपना और जानवरों की हड्डियों से, क्योंकि वो सारे जानवरों को तो काबू में नहीं रख सकते थे अपने, जो बाकी के जो जानवर होते थे उनकी हड्डियों का वो झूल ऑर्नामेंट्स बना के पहनते थे, आभूषण बना के पहनते थे। अभी हम बात करेंगे सोसाइटी के बारे में, समाज कैसा था तब का, क्योंकि जब क्योंकि अभी हमको पता है कि सब लोग एक साथ एक गांव का जीवन बना के रहते हैं, तो उसमें एक एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, ऐसे नियम होने चाहिए कुछ जो सबके लिए एक समान होने चाहिए, उसे हम कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। वो सबके लिए समान जो नियम होते हैं, जैसे हमारे हम आज के जमाने में जो समान नियम है सबके लिए कि हमें किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, ये सब जैसे हमारे लिए एक समान नियम है, वैसे जो उनके लिए एक समान नियम हुआ करता था उसे हम कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। जीने का तरीका वॉज मेड द